नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त पर हमला हुआ है। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सरेराह गुंडागर्दी की है। जिला अस्पताल के सामने अफसर की गाड़ी रोकी और अफसर को जबरन ऑफिस लाकर अभद्रता। सहायक नगर आयुक्त को ऑफिस में बंधक बनाया है। सहायक नगर आयुक्त के कर्मियों से मारपीट की। इकट्ठा हुए कर्मियों को हमलावरों ने खदेड़ा है। गोवंश मामले को लेकर अफसर पर दबाव बनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के दिन दहाड़े गुंडागर्दी देखी गई है। मेरी जानकारी में नहीं है कौन लोग आए, ये मेरे ऑफिस की तरफ आ रहे होंगे। यहाँ मैं जब निकल गया तो ये ऑफिस आई, ऑफिस में बता दिया कि मैं निकल गया। इन लोगों ने जो भी आए थे उन्होंने पीएल शर्मा हॉस्पिटल के सामने मेरी गाड़ी जाके रुकवा ली। मैंने गाड़ी रोकी तो ये सामने से इन्होंने बाहर खड़े कर दिए, अर्दली के साथ वहीं खींचातानी करने लगे। मैंने कहा बात क्या है भाई, तुम अपनी बात बताओ। फिर हम आपसे मिलने आए थे, आप जा रहे हैं। हमने कहा भाई मेरा काम है, ऑफिस में बैठ के जाऊँगा, मुझे दूसरा काम भी करना है। कि नहीं आप हमारी बात सुनिए। हमने कहा अपनी बात बताओ। तो ये लोग जो है बात वहाँ न करके कहके इनका कहना था कि आप ऑफिस चलिए तब हम बात करेंगे। वाहन के सामने इन्होंने अपने मोटरसाइकिल खड़ी कर रखी थी, तो मैं स्थिति को देखते हुए वापस ऑफिस आ गया। ऑफिस में भी आ करके जो इनका बात करने का तरीका था वो बिल्कुल अभद्र था। ऑफिस स्टाफ भी मेरे चैम्बर में खड़ा हुआ था, उससे गाली गलौज करने लगे। मैंने कहा अपनी बात बताइए, तो मैंने उनकी जो बात थी वो सुनी और उनको कहा कि नगरायक साहब जब हॉस्पिटल से वापस आएंगे तभी ये सारी चीज़ें तय होंगी। वो उस पर दबाव बना रहे थे कि आप ही तय करिए, कार्रवाई आपको करनी है। मैंने कहा कि नहीं मेरे स्तर से कार्रवाई नहीं, इसमें क्या कार्रवाई की मांग कर रहे थे। एक बात थी, एक गौशाला का जो बता रहे थे, लेकिन वो जो दिल्ली रोड पे अभी 8-10 दिन पहले मंडी के पास से हमारे कैटल कैचर ने 2 पशु उठाए थे, जिसमें एक मृत पशु था और एक जिंदा पशु था। ड्राइवर से गलती ये हुई कि वो जिंदा पशु को पहले हॉस्पिटल छोड़ता फिर मृत पशु को ले जाता, लेकिन वो दोनों पशु ले गया। एक पशु उसने उतार दिया, जिंदा ला रहा था तब तक ये लोग वहाँ पहुँच गए, तो इन्होंने वहीं बवाल किया इस बात को लेकर के कि जिंदा पशु दफनाया जा रहा है, जबकि ये बात सही नहीं थी। आज क्या कार्रवाई की मांग कर रहे थे? आज वो कह रहे थे कि जो कर्मचारियों के खिलाफ जिन्होंने आपने कार्रवाई प्रस्तावित की है वो जो है आप ही उसमें निर्णय लीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, सबके साथ एक जैसी कार्रवाई। हमने बताया उनको कि एक कर्मचारी जो आउटसोर्स है उसे हटा दिया गया है और बाकी रेगुलर कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नगरायक साहब के स्तर से होगी, तो उनके आने पर होगी। उनके काम नहीं आप ही करिए। क्या बदतमीजी की उन्होंने? या ऑफिस से बदतमीजी करने लगे मुझसे जो है जोर जोर से कि नहीं आप ही करिए, इस तरीके की कोई जो है आप क्यों नहीं करेंगे, एक हटा दिया तो उसको भी हटाइए। हमने कहा नहीं इसको नहीं, हमें नहीं हटाना है नगराज साहब को। जो भी हाथापाई मारपीट भी हुई? हमसे हाथापाई नहीं हुई, लेकिन स्टाफ से यहीं ऑफिस में की, उसके बाद बाहर निकल के पहुंच गए तो वहाँ जो स्टाफ था शोर शराबा सुन के आ गया था, उनसे भी वहाँ हाथापाई की और गाड़ी का एक जो फ्रंट शीशा है वो भी लोगों ने जो है कुछ मारा होगा उस पर, तो वो भी टूट गया। सर आपको अपनी जान का भी खतरा है इस तरीके से, आपकी गाड़ी रास्ते में रोकी गई उसके बाद यहाँ पर ये बदतमीजी हुई। अभी तो देखते हैं, अभी तो इनके खिलाफ हम लोग जो घटना हुई है उसके खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं और आगे जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। उनका कहना है कि आप सब लोगों ने भी मिलके उनके एक नेता को जो कोई मीनू पंडित नाम का उसकी पिटाई की है, बहुत मारा है। यहाँ निगम में पर डे हजारों आदमी आता है, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। ये उन्होंने यहाँ शुरुआत की स्टाफ के साथ बदतमीजी करने की और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। ऊपर कर सर, आज ये घटना हुई है नगर निगम में, सहायक नगर आयुक्त के ऊपर हमला का मामला है भाई, एक मिनट जरा, घटनाक्रम है और इसमें क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? देखिए अभी एक घटना प्रकाश में आई है कि कुछ शहर के लोग थे और सहायक नगर आयुक्त से कुछ बातचीत करने गए थे, जिसमें ये कुछ लड़ाई झगड़े की बात प्रकाश में आ रही है, जिसको हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद एविडेंस उसके हिसाब से हम दिल्ली कार्रवाई करेंगे। कोई तहरीर सर किसी तरह से आई? देखिए दोनों तरफ से एप्लीकेशन दे रहे हैं, दोनों की जांच हो जाए, एक बार मामला क्या है उसके बाद ही हम सही कंडीशन में।